उनकी सेवा भी मिली और उनकी कथा भी मिली। कैसे? हम तुमसे पूछते हैं, बताओ राम कथा सुनने के सबसे बढ़िया श्रोता कौन है, तो तुम क्या बताओगे? हनुमान जी महाराज। अरे हम नहीं कह रहे, गोस्वामी तुलसीदास जी का हनुमान चालीसा कह रहा, प्रभु चरित्र संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। भैया संतान पैसा और पत्नी ये तो पापी के घर पर भी होती, महापापी हो जिसने कभी सीताराम ना कहा हो वो भी धनवान हो सकता है, उसके पास भी पत्नी हो सकती है, और पापियों के घर तो एक एक लोग आए, क्या दो दो तीन तीन भी हो सकते हैं। बोलो सीताराम जोर से बोलो। सुख यानी संतान पत्नी पैसा ये तो पापी के घर पर भी होता है, लेकिन मेरे पाप लोग एक बात याद रखना, भगवान की कथा और संतों का समागम ये पापी के घर पर नहीं, ये तो किसी धर्मात्मा महापुरुष के जीवन में ही होता है। दूसरी बात, धन कमा लेना बड़ी बात नहीं है, धन का सदुपयोग करना बहुत बड़ी बात है। आप जहां बैठे हो, इतनी गर्मी, पंखा चल रही है, तेज कूलर है नहीं है, गर्मी लग रही, प्यास लग रही, उठने का भी मन है, घर भी जाना है, घर वाले भी डांट रहे थे, कहां बाबाओं के चक्कर में पड़ते हो, फिर भी तुम आए। अच्छा कितनी मुसीबतें झेल रहे, पहले पुलिस से लड़े, द्वार पर लड़े, फिर अंदर लड़े, फिर डी में लड़े, और फिर भी खड़े, इसके बावजूद भी कई लोग खड़े, ये देखो खड़े, लेकिन एक बात बताए, फिर भी आप किसी डिस्को डांस में जाना, 3 घंटे डांस करना, 2-4 लाख रुपया खर्च करना, 3 घंटे बाद थक जाओगे, थक करके सो जाओगे। भगवान की कथा हम भी 11-12 साल से गा रहे हैं और तुम भी 8 घंटे से बैठे बैठे सुन रहे, न तुम थके न हम थक रहे, मीराबाई ने पूरी जिंदगी गाया न वो थकी, यही भगवान की कथा। अच्छा भगवान की कथा क्या है? भगवान की कथा है वास्तविक और दुनिया की कथा होती है काल्पनिक। काल्पनिक और वास्तविक में यही अंतर है, जिसको सुनकर दोबारा सुनने का मन ना करे वो है काल्पनिक, और जिसको सुनकर बार बार सुनने का मन करे उसी का नाम है दार्शनिक और वास्तविक। और भगवान की कथा प्रभु चरित्र सुने वे Oh,
राम राजा बने, राजा बने, सबको कुछ ना कुछ भगवान ने दिया। सुग्रीव जी को राजा बना दिया, विभीषण को लंका का राजा बना दिया, अंगद जी को युवराज बना दिया। केवल किसी को नहीं दिया तो केवल हनुमान जी को नहीं दिया। किसी ने राम जी से पूछा, आपने सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट में दिया, हनुमान जी को नहीं दिया। राम जी बोले, भैया जिसका कर्जा छोटा मोटा हो तो चुका दिया जाए, जिसका अनलिमिटेड हो उसे कौन चुका है। दो प्रकार के चेहरा होते हैं जिनकी
कौन है वो, ये बात कहाँ से चिपक आई, बड़ा दिमाग खराब हो जाता, इसलिए आदमी भी बड़ी करता। बोलो सीता जगत के अभिनेता मिलने को आए कल रात, तो वो आज शाम को भी आने वाले हैं। तो बोले गुरु जी कोई आप आज्ञा करो। हमने कहा देखो भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, भगवान से भगवान को मांगना चाहिए। क्या भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, भगवान से तो भगवान को मांग लिया। तो हनुमान जी से कहा मांगो मांगो। हनुमान जी बोले महाराज एक बात बताओ, हमने सबसे ज्यादा काम किया कि नहीं किया। राम जी बोले बिल्कुल किया। तो बोले फिर एक नहीं दो मांगने की आज्ञा दो, बाकी से ना बोले तीन ले लो। पर ले तो महाराज जी बोले तीन लो, तीन दो क्यों कम से कम कर जाओ। राम हनुमान जी बोले नहीं नहीं क्यों क्या चाहते। हनुमान जी बोले सरकार हमें आपकी ये दोनों पद कमल जन्म जन्म। राम जी की आंखों में आंसू आ गए और हमारी चौपाई ये कथा की पूरी हो गई यहीं पर। क्या हनुमान सम नहीं बड़ भाई,
गई शरण, इसलिए इनका पर कभी नहीं हुआ मर। और माता जानकी जी ने भी कह दिया अजर अमर। क्या कहा माँ जानकी ने हनुमान जी के लिए? अजर अमर गुण निधि सुत हो कई बार साथ में रहने वाले लोग समझ नहीं पाते, उन्हें लगने लगता है सब ऐसे जब, लेकिन उनका साथ छूटता है तो वो कुछ बन जाते हैं तब समझ में आता है यार बहुत बड़ी भूल कर। और अक्सर कई लोगों के साथ ऐसा होता है। हम अपनी जिंदगी का बताएं तो हमारी जिंदगी में जो पहले लोग जुड़े थे वो हमें पागल ही समझते थे, लेकिन उन्हें क्या बता दें इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। तो हनुमान जी ने भगवान की शरण मांगी। एक बड़ा प्यारा गीत है अब हनुमान जी ने आना ओ अंजनी माँ का लाल बड़ा मत वाला है। किसका? अंजनी माँ का लाल बड़ा मत वाला है, हवा में उड़ता जाए वो राम का प्यारा के चरणों की धूनी है।